साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन नए टॉपिक पे बात करेंगे। भाई जिस तरह से माहौल चल रहा है तो मेरा फ़र्ज बनता है इस टाइम 100%, ये नहीं कि लोग बैठे हैं आराम से मैं भी बैठ जाऊं, मेरा फ़र्ज बनता है कि जिस कंट्री में जो लोग हो, आप मेरा अपना चैनल आप वॉच करते हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास सही जानकारी मैं पहुँचा सकूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके और आपको तसली मिल सके। शुरुआत करेंगे साथियों कतर से रिलेटेड। मैं स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता जा रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। आप जिस कंट्री से हैं प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास 100% गारंटी के साथ सही इंक्वायरी पहुंचेगी। तो साथियों इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज अच्छी अच्छी जानकारी सही टॉपिक पर आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं साथियों कतर से रिलेटेड। तो भाई कतर में आपको पता है कोरोना तो सब जगह ही है। कतर में बात करें कोरोना का क्या प्रभाव है, तो ये मान लीजिए 2057 लगभग 2100 के करीब लोग पॉजिटिव वहां पे हो चुके हैं, लेकिन डेथ के मामले में अभी ठीक है, 6 डेथ अभी तक हुई हैं कतर में, जिसमें से 150 के करीब यानी 150 के करीब रिकवर भी हो चुके हैं। यानी कुल मिला के कतर की स्थिति ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए लगभग कंट्रियों ने लॉकडाउन कर रखा है। तो भाई कतर में भी ये हालात है, लॉकडाउन है, कंपनियां बंद हैं, पूरा सिस्टम तामझाम पूरा का पूरा क्लोज है। इतने दिन थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अभी पूरा सिस्टम क्लोज कर दिया गया। इतने दिन लोग जॉब पर भी जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह तो कर्फ्यू भी लगाया जाता, जैसे मान लीजिए ज़्यादा जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बढ़ने हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आज बात करेंगे साथियों। मैं बता दूं कि पूरा सिस्टम क्लोज है, लोग घरों पे बैठे हैं, ये कंपनियां बंद हैं। तो भाई सैलरी का भी आगे मैं बात करूंगा, सैलरी से रिलेटेड कतर गवर्नमेंट ने क्या वहाँ पे घोषणा की है। उससे पहले बता दूं साथियों कि अगर कोई बंदा मान लीजिए सोचता है कि कतर में भी आप रह रहे हो, आपको पता ही होगा मेरे से ज़्यादा आप वहाँ पे जानते हो, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जिसमें आप मेडिकल सेंटर मान सकते हैं या फिर हॉस्पिटल मान सकते हैं या फिर ग्रेसरी सुपरमार्केट, ये चीज़ें ऑन हैं, बाकी का पूरा सिस्टम बंद है। वहाँ की गवर्नमेंट ने साथियों कतर की गवर्नमेंट एक अच्छा कदम मानता हूँ उनका, कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अपना पर्सनल नंबर इश्यू किया है, जिस पे आपको आप मुल्की हो या गैर मुल्की हो, आप बाहर इंडियन पाकिस्तानी नेपाली कहीं के भी हो, आपको अगर प्रॉब्लम है, जैसे आप रहने में आपको दिक्कत आ रही है, अकोमोडेशन में, खाने में, फूड में आपको दिक्कत आ रही है, मेडिकल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर कोई दिक्कत है, दिक्कत जेन्युइन होनी चाहिए, मैं क्लियर कर दूं, अगर फेक आपने कॉल कर दिया तो भाई आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नंबर इश्यू किया है 92727, इस नंबर पर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट साथ में डाल दूंगा, टेक्स्ट मैसेज आपको करना है। फर्स्ट में टेक्स्ट लिखोगे, वहाँ पे 5 लिखना है, 5 लिख के आपको स्पेस देना है, स्पेस लिख के आपके पास या तो वहाँ की आईडी बनी है उस आईडी के आपको नंबर लिखना है। अगर मान लीजिए आईडी एक्सपायर हो गई है, आईडी नहीं है, तो आपका वीज़ा नंबर लिख के इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना है, जिसमें आप जो नंबर वहाँ पर जाएगा उसी नंबर पर आपके पास कॉल आ जाएगा, कि आपसे पूछा जाएगा भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में वहाँ से आपसे बात की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये न्यूज़ कतर में जो रह रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। और भाई मैं बता दूं कि आप इंडिया छुट्टी आए हो या कोई भी कंट्री आप छुट्टी आए हो, नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश किसी भी कंट्री में, जो छुट्टी आ चुके उनके लिए नहीं है, उनकी छुट्टी मान्य होगी, बाकी वहाँ पे जो बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से मजबूरी में लॉकडाउन हो चुका है, वो मकानों पे बैठे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि भाई सैलरी दी जाए कंपनियों की तरफ से जो वर्कर वहाँ पे बैठे हैं, छुट्टी गए उनको नहीं, जो वहाँ पे मौजूदा हालात में बैठे हैं, जो कंपनी में बैठे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे सैलरी देने की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। ये वहाँ के लोगों के लिए बेस्ट न्यूज़ है। बाकी आपको पता भाई, अगर आप इंडिया आ चुके हो तो भाई फ्लाइट इम्पॉसिबल है, 30 अप्रैल तक तो कुछ होने वाला नहीं है, फ़्लाइट सिस्टम क्लोज है, टिकटें काफ़ी लोगों ने बनवाई उनकी कैंसिल हो चुकी हैं, अभी भी किसी के बहकाव में आके टिकटें वगैरह अभी तो बनेगी भी नहीं, पोर्टल ही ऑन नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी सबसे बड़ी लोगों को ये डर रहता है कि यार हम छुट्टी आ गए, हमने विजिट वीज़ा ले लिया, हमारा पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है, हमारा वीज़ा 6 महीने से ऊपर हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अब क्या करें। तो भाई देखिए, कतर गवर्नमेंट आपका वीज़ा रिन्यू कर देगी 3 मंथ के लिए, ये मान लीजिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा आपको 100% चाहिए, आपका कोई भी वीज़ा हो, आपका वीज़ा ये कोरोना ख़त्म होने के बाद में जैसे भी प्रोसेस में आता है, आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यू करेगी गवर्नमेंट, इसके लिए अलग से
प्रावधान करेगी कि भाई एक तो वहाँ पे बुला के करेगी या यहाँ बैठे बैठे कर देगी, जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने बैठे बैठे कर दिया, जो इंडिया आए उनका भी वीज़ा वहाँ पे रिन्यू हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इस पर गौर कर लीजिए। कतर से रिलेटेड सबसे बेस्ट न्यूज़ मुझे लगी कि बैठे बैठे को सैलरी देगी, पर्सनल नंबर दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो कंपनी उनको प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, खाना नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट, कतरी गवर्नमेंट है, आपको खाना भी देगी। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ है कतर से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगर जो भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों के साथ कतर से रिलेटेड शेयर करूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज कतर से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।